बीते कई दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चल रहे एक मुकदमे पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते 26 फरवरी को अपने खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि उस वीडियो को रीट्वीट करना जो कथित रूप से अपमान सूचक था और जिसे 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित किया गया था, एक गलती थी। दरअसल सीएम केजरीवाल पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो वाले एक ट्वीट को रिट्वीट करने के मामले में 2018 में ये मामला दर्ज हुआ था। उस वीडियो में विकास सांकृत्यायन नाम के एक व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बातें कही गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया था कि ट्विटर पर केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ कही गई अपमानजनक बातों की पुष्टि किए बिना ही उसे रिट्वीट किया और करोड़ों लोगों तक फैलाया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गलती स्वीकार की तो कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।